गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम हट पे। जैसे कि वादा था और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 9 और 10th के लिए सोशल साइंस की सीरीज, सामाजिक विज्ञान की सीरीज। और ये सीरीज HBSC और CBSE दोनों बोर्ड्स के लिए रहेगी, दोनों मीडियम में रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज आपके इतिहास के, हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन से। इतिहास का पहला लेसन, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। तो बस अपनी कॉपी किताब उठा के अपने पास बैठ जाइए, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ विद क्वेश्चन मैं आपको बना के बताऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो बस बिना किसी देर के फटाक से रेडी हो जाइए और शुरुआत करते हैं हम हमारा लेसन नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसे कहेंगे हिंदी में भारत में राष्ट्रवाद। तो हमारे देश को आजाद कराने की जो लड़ाई है वो आप लोगों ने बड़ी सुनी होगी कि शहीदों ने ये किया, देशभक्तों ने वो किया। तो इन चीजों को दिल से जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पाठ को स्पेशल आप लोगों ने पढ़ना है, क्योंकि आपको आपके भारत के उस शानदार इतिहास और गौरव से भी क्या करेगा, रूबरू करवाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस पाठ की शुरुआत करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जैसे कि इस लेसन का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, राष्ट्रवाद। तो पहले आपको राष्ट्रवाद की परिभाषा का पता होना बहुत जरूरी है। तो पहला प्रश्न आपका बनेगा कि व्हाट इज नेशनलिज्म। अगर हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो यू विल राइट कि नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी। एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग जब ये सोचना शुरू कर देते हैं कि वो किसी एक एरिया से ही बिलोंग करते हैं, हम भारत के चाहे किसी भी कोने में रहने वाले हो, चाहे नॉर्थ इंडिया के हो, साउथ इंडिया के हो, ईस्ट इंडिया के हो, वेस्ट इंडिया के हो, अपने आप को किसी स्टेट का निवासी मानने से पहले हम लोग मानते हैं कि हम लोग भारतवासी हैं। तो यही फीलिंग जो है, यही भावना जो है, वो क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद। कि जब एक क्षेत्र में रहने वाले लोग ये विश्वास करना शुरू कर दे कि वो बस एक ही क्षेत्र से संबंधित है, वो जो एरिया है वो उनकी मातृभूमि है, पितृभूमि है, तो वो जो भावना है, वो फीलिंग है, वो क्या कहलाती है, नेशनलिज्म कहलाती है। तो चलिए अब आपका जो पहला क्वेश्चन जो बनता है इस चैप्टर का, उस पहले क्वेश्चन से हम लोग जो है क्या करेंगे, आज इसको शुरू करेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन बनता है, पहली जो हेडिंग बनती है, ये जो मेरी पीपीटी है वो आपके बुक्स के पेज के अकॉर्डिंग है, हेडिंग वाइज है। तो आपको जो कंप्लीट सीक्वेंस बुक में आपको रीड करने को मिलेगी, वही जो है सीक्वेंस मैंने यहां पे यूज की है। तो पहला प्रश्न जो बनेगा, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, पहला जो क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग इंडियन। कि पहले विश्व युद्ध ने भारतीयों के दिलों में राष्ट्रीयता की भावना को कैसे जगाया, कि पहले विश्व युद्ध ने भारतीयों के मन में राष्ट्र भावना को कैसे जगाया। आपने क्वेश्चन में बस यही देखना है, हिस्ट्री का एक ही लेसन आपका। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लिखा आता आपका, तो आपने वो बातें लिखनी है जो मैं आपको जो है यहाँ पे बताने वाला हूं। तो जल्दी से रेडी हो जाइए। चलिए, सबको पता होना चाहिए कि जो पहला विश्व युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, 1914 से लेके 1918 तक जो था वो लड़ा गया था। तो इससे क्या कारण रहे थे कि पहले विश्व युद्ध ने भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की भावना को जगाया। तो सुनिएगा, यहां पे मैंने पॉइंट्स बनाए हैं जो आपके बिल्कुल नोट्स की तरह जो आपको काम आने वाले हैं, यही आपका जो होगा आंसर होगा, यही हमारा जो है कंसेप्ट है। तो सुनिएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। पहले विश्व युद्ध ने भारत में एक राजनीतिक और एक आर्थिक नई जो है स्थिति क्या कर दी थी, पैदा कर दी थी। द ब्रिटिश इंपोज्ड वॉर एक्सपेंडिचर ऑन इंडिया, इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड। कहने का मतलब, जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों का इतना ज्यादा खर्चा हो गया कि उस खर्चे को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने भारत में टैक्सेस को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। खर्चा उनका हुआ, लेकिन भारतीयों पर उन्होंने क्या किए, अननेसेसरी टैक्सेस को क्या कर दिया, इंपोज कर दिया। और उनकी इस जो स्टेप था, उनके इस कदम ने भारतीयों के दिलों में क्या कर दिया, अंग्रेजों के लिए गुस्सा पैदा कर दिया। और उस वक्त क्या हुआ कि जब वॉर का टाइम चल रहा था तो चीजों के प्राइजेस जो थे वो इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि एक आम आदमी के लिए उस वक्त सर्वाइव करना बहुत ज्यादा क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। इस वजह से इस घटना ने भी भारतीयों के दिलों में अंग्रेजों के लिए गुस्सा क्या कर दिया, पैदा कर दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने जबरदस्ती आर्मी के अंदर भारतीयों को रिक्रूट किया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो उनको सैनिकों की जरूरत थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया,
फोर्सफुली रिक्रूटमेंट की, जबरदस्ती आर्मी में बच्चों को क्या किया गया, भर्ती किया गया। उसी साल क्या हुआ कि क्रॉप फेलियर, फसलें जो थी बर्बाद हो गई थी और अनाज की, खाने पीने की चीजों की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, बड़ी बड़ी बीमारियां जो भारत में उसमें फैली हुई थी। और लेकिन अंग्रेज जो थे वो किसी भी तरीके से टैक्सेस को कम करने को राजी नहीं थे, और ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि भारतीयों के दिलों में अंग्रेजों के लिए क्या पैदा हो गया, गुस्सा पैदा हो गया। इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ तो पहला रीजन मैंने आपको बता दिया कि हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सेंस ऑफ नेशनलिज्म, पहले विश्व युद्ध ने किस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। तो आपका उत्तर सिंपल रहेगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया। इस वक्त जो भारत की राजनीतिक और आर्थिक हालात थी बहुत ज्यादा खराब थी, अंग्रेज जो टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे थे, फोर्सफुली आर्मी में बच्चों को भर्ती किया जा रहा था, बीमारियां फैल चुकी थी, फसलें तबाह हो चुकी थी, खाने पीने की चीजों की कमी हो चुकी थी, लेकिन अंग्रेज भारतीयों को किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं दे रहे थे, और इस बात ने अंग्रेजों के लिए भारतीयों के दिलों में गुस्सा जो था वो क्या कर दिया, पैदा कर दिया। उसी बीच क्या होता है, 1915 की बात है, गांधी जी जो है वो भारत लौट आते हैं साउथ अफ्रीका से, और उन्होंने आते ही जो पहला मेथड इस्तेमाल किया वो इस्तेमाल किया सत्याग्रह का। तो अगला आपका क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट वाज सत्याग्रह, हाउ डिड गांधी जी यूज इट, कि सत्याग्रह क्या था और गांधी जी ने किस प्रकार सत्याग्रह का जो था वो इस्तेमाल किया था। चलिए देखिएगा सत्याग्रह, तो आपको डेफिनेशन के साथ मैं यहां पे जो है क्लियर कर देता हूं कि सत्याग्रह जो है वो क्या है। सत्याग्रह लिटरली मीन्स होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ फोर्स, कि सच की ताकत को ही आगे लेके चलना, सच की ताकत के साथ लड़ना ही क्या है सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी कहते थे कि इफ यू आर फाइटिंग अगेंस्ट इविल, अगर आप बुराई के खिलाफ लड़ रहे हैं, देन देयर इज नो नीड टू यूज फिजिकल वायलेंस, तो आपको शारीरिक हिंसा का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। तो नोट्स में क्या बनेगा, इट वॉज अ नॉन वायलेंट स्ट्रगल इंट्रोड्यूस्ड बाय गांधी जी, ये एक नॉन वायलेंट स्ट्रगल था, मतलब किसी भी प्रकार से इस स्ट्रगल के अंदर हिंसा का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया था। गांधी जी सिर्फ प्रोटेस्ट का यूज कर रहे थे, वो कहते थे इट पर्स्यूड्स द ओपोनेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ, सामने वाले को समझाओ कि सच क्या है, आप किस लिए जो है वो अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था इफ द कॉज वॉज ट्रू, अगर आप सच के लिए लड़ रहे हो और आपकी फाइट जो है वो किसके खिलाफ है, इनजस्टिस अर्थात अन्याय के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर, तब आपको किसी भी प्रकार से शारीरिक बल का प्रयोग करने की कोई भी जरूरत जो है वो नहीं है। तो उनके मेथड क्या थे, भूख हड़ताल करो, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करो, स्ट्राइक करो, और नॉन कॉपरेशन का जो शब्द है असहयोग, की अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, इस चीज को क्या करना है, अपनाना है। तो यहाँ पे जो मैंने कंप्लीट आपको डेफिनेशन सत्याग्रह की बता दी, हिंदी भाषा में बात करें सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी कहते थे कि अगर हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हमें किसी भी प्रकार से शारीरिक हिंसा का प्रयोग करने की कोई भी जो है वो जरूरत नहीं है। चलिए ये आपका दूसरा प्रश्न बनता है कि व्हाट इज सत्याग्रह। इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है, नेक्स्ट जो सवाल बनता है कि गांधी जी ने जो सत्याग्रह के मूवमेंट थे वो कहां कहां जो थे ऑर्गेनाइज करवाए थे, और मैप के लिए भी आपका ये जो क्वेश्चन है वो काफी मोस्ट है। मैप के अंदर आपका 100% आता है कि चंपारण मूवमेंट के बारे में पूछ लेंगे कि उस प्लेस को इंडिकेट कीजिए जहां पे चंपारण जो है वो सत्याग्रह हुआ था। तो मैं आपको हल्का फुल्का बता देता हूं, आपके सिलेबस में बड़ा इसका कुछ भी नहीं है। सो गांधी जी ने सत्याग्रह जो था वो तीन जगह पे क्या किया था, इस्तेमाल किया था। नंबर एक 1916 चंपारण मूवमेंट इसको कहते हैं। चंपारण क्या था कि चंपारण बिहार की एक जो डिस्ट्रिक्ट है वहां के जो किसान थे उन लोगों को जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, उन लोगों से इंडिगो प्लांटेशन करवाया जाता था, और वहां के जो वर्कर्स थे लेबर थी बहुत ज्यादा दुखी थी। तो गांधी जी ने यहां नॉन कॉपरेशन सॉरी सत्याग्रह का इस्तेमाल किया, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया और वहां पे जीत मिली। उसके बाद जो नेक्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट था 1917 में खेड़ा एक्सक्यूज मी उनका जो नेक्स्ट मूवमेंट था वो खेड़ा गुजरात में था।
फेलियर हो चुका था, प्लेग फैल चुकी थी, फार्मर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन अंग्रेज जो थे वो कमबख्त टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जा रहे थे। तब गांधी जी यहां आते हैं, खेड़ा के किसानों को इकट्ठा करते हैं और वहां से इस मूवमेंट को क्या करते हैं, वो चलाते हैं और फाइनली क्या मिलती है, जीत। और उसके बाद 1918 तीनों डेट जो है वो आपकी बिल्कुल लाइन में है। 1918 में गांधी जी जो है अपने अहमदाबाद गुजरात के मिल वर्कर की जो कंडीशन थी उस कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं, सत्याग्रह करते हैं और यहां भी इन्हें क्या मिलती है, जीत मिलती है। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह जो था उसका इस्तेमाल कहां कहां किया था। तो जहां तक मुझे उम्मीद है ये तीनों चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो क्वेश्चन बनेगा कि गांधी जी के तीन मूवमेंट कहां कहां थे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हम लोग। उसी बीच अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि व्हाट वाज रॉलेट एक्ट, व्हाई इंडियंस वर एंगर्ड विद दिस एक्ट, और भारत के लोग जो थे वो इस एक्ट से नाराज क्यों थे। तो अभी हम कारण पढ़ रहे हैं राष्ट्र भावना जगाने वाले, पहला विश्व युद्ध था, उसके बाद आपका सत्याग्रह, तीसरा रॉलेट एक्ट। सन 1919 में अंग्रेज एक कानून पास करते हैं जिसे रॉलेट एक्ट कहते हैं, बेटा रॉलेट कानून कहते हैं। इस एक्ट में क्या था कि इस एक्ट ने गवर्नमेंट को इतनी ज्यादा पावर दे दी थी कि सरकार अब किसी को भी क्या कर सकती थी, अरेस्ट कर सकती थी, जेल में डाल सकती थी, और जेल में डालने के बाद 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के, आज अगर पुलिस किसी को पकड़ती है तो विद इन 24 आवर उसे उस एक्यूज को कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। तो ये जो एक्ट था इसने गवर्नमेंट को इतनी ज्यादा पावर दे दी थी कि अब सरकार जो थी किसी को भी जेल में डाल सकती थी पकड़ के, वो भी 2 साल के लिए, और उसके ऊपर बिना कोई कोर्ट में ट्रायल चलाए। और इस बात से भारत के लोग जो थे बहुत ज्यादा क्या थे, नाराज थे। और इस एक्ट का एम आपको जैसे पता ही है कि नेशनल मूवमेंट जो चल रहे थे, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, जितने भी गांधी जी ने मूवमेंट चलाए थे और इस मूवमेंट में जो लोगों को जीत मिल रही थी, इस मूवमेंट को सप्रेस करना ही उनका क्या था, मेन एम था। और इस कानून को इट वाज नोन एज ब्लैक लॉ, काला कानून भी जो है वो इसको कहा जाता है, किसे, काले कानून के नाम से जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन जो आपका बनता है कि वो रॉलेट एक्ट क्या था, कब आया और किस वजह से भारत के लोग जो थे इस एक्ट से क्या थे, नाराज थे। चलिए अगर आपको ये समझ में आया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और प्लीज ये आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिख लीजिए, यही आपका आंसर है जो अगर टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों ने क्या करना है, मेंशन करना है। चलिए थोड़ा और पढ़ते हैं। तो जब ये रॉलेट एक्ट चल रहा था तो गांधी जी ने नॉन वायलेंट सत्याग्रह जो था रॉलेट एक्ट के खिलाफ शुरू किया, एक हड़ताल ऑर्गेनाइज की 1919 के अंदर, रैलीज निकाली गई, शॉप्स को बंद कर दिया गया, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल क्या हो जाता है, ठप हो जाता है। और इसी बीच ये जो रॉलेट सत्याग्रह था, इसी रॉलेट सत्याग्रह की जड़ें जुड़ी हुई है किसके साथ, हमारे भारत के उस काले दिन के साथ जिसे जलियांवाला हत्याकांड या जलियांवाला मार्कर्स कहा जाता है। चलिए देखिएगा, लगभग सभी बच्चों को पता है, बचपन से हम लोग सुनते आए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, फिर भी बता देता हूं। 13 अप्रैल 1919 की बात है, 13 अप्रैल 1919 की एक पब्लिक मीटिंग जो थी जलियांवाला बाग के अंदर, क्या था कि एक पब्लिक मीटिंग जो थी ऑर्गेनाइज थी, शहर से दूर था ये पार्क, बैसाखी का फेस्टिवल, एनिमल फेयर यहां पे जो था मनाया जा रहा था, शहर से दूर होने के कारण लोगों को नहीं पता था कि शहर के अंदर जो है वो मार्शल लॉ लगा हुआ है कि लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन ये लोग बिल्कुल पीसफुली वहां पे इकट्ठे हो रखे थे। तभी जनरल डायर, नाम आप लोगों ने सुना होगा, जनरल डायर जो था वो अपनी फोर्सेस को लेके वहां आता है, अपनी फोर्सेस के साथ वहां पहुंचता है, और वहां पहुंचने के बाद क्या करता है, वो 10 मिनट तक लगातार ओपन फायरिंग जो है वो जनता पे करता है, और वो तब तक फायरिंग करता रहा जब तक कि उसका सारा गोला बारूद, उसका हथियार जो था वो खत्म न हो गया हो। और इसके अंदर सैकड़ों की संख्या में हजारों जो लोग थे वो घायल हुए थे, मारे गए थे, और इसको बोलते हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट। और इस इंसिडेंट के बाद भारत के लोगों में अंग्रेजों के लिए गुस्सा जो था वो चरम सीमा पर पहुंच जाता है और भी ज्यादा जो है बढ़ जाता है। तो आपका क्वेश्चन था कि जलियांवाला बाग मार्कर्स क्या था। अगर चलो वीडियो फिर कभी दिखाएंगे आपको इसकी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन जाता है आपका वो बनता है व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट, कि खिलाफत मूवमेंट क्या था। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि मैं ये जो शुरू कर रखा मैंने वो अकॉर्डिंग टू आपके जो
सिलेबस है, आपकी जो बुक है एनसीईआरटी उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। बस मैंने नोट्स वे में ये पीपीटी जो है वो आप लोगों के लिए क्या की है, तैयार की है। चलिए तो अभी पढ़ते हम लोग की खिलाफत मूवमेंट क्या था, खिलाफत आंदोलन क्या था। तो सिंपल कहानी में याद रखिए कि तुर्की का जो राजा था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, और तुर्की का जो राजा था उसे खलीफा, धार्मिक गुरु, द रिलीजियस लीडर जो था वो माना जाता था। पूरे विश्व के मुसलमान जो थे तुर्की के राजा को, जो ऑटोमन एम्पायर का था, उसे अपना खलीफा मानते थे। तो जब खलीफा पे अत्याचार हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जब उसकी हार होती है, तो ये रूमर्स फैल जाती हैं, अफवाहें फैल जाती हैं कि तुर्की के राजा के ऊपर बड़ी हार्श ट्रीटी को जो क्या किया गया, वो इम्पोज किया गया है, लगाया गया है। तो हमारे भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली, जी ये है मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें अली ब्रदर भी कहा जाता है, अली बंधु भी कहा जाता है, इन्होंने जो था वो क्या किया था, शुरू किया था खिलाफत मूवमेंट। और इस मूवमेंट का एम ये था कि वो तुर्की का जो राजा था उसके खिलाफ जो इनजस्टिस, अन्याय हुआ है, उस अन्याय को क्या करना है, रोकना है। क्योंकि तुर्की सुल्तान जो था उसको खलीफा, जो मैंने आपको अभी बताया खलीफा कहते थे, जो धार्मिक गुरु था, और वो सारे मुसलमानों को एक साथ जोड़ के उसके लिए आवाज उठाने के लिए शुरू किया गया था खिलाफत मूवमेंट। जी हाँ, इतनी सी बात, ये आपके नोट्स जो है वो तैयार। चलिए उसी के बाद अब जो आपके लिए शुरुआत होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, ये ठीक है। मैं पहले बता दूं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था क्या, इसके बारे में हम लोगों ने जो है समझना है। सुनिएगा, गांधी जी ने भारत में असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया, व्हाई द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉस्ट इन इंडिया, व्हाट वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये था क्या, इसकी सारी जितनी भी डिटेल्स बनती है वो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं वो आप लोगों को बता देंगे ये। सो आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत ज्यादा क्या हो चुका था, इंडियंस को नुकसान हो चुका था, टैक्सेस बढ़ चुके थे, रोलट एक्ट भारत में आ गया था, उधर से जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया, इधर से मुसलमानों ने खिलाफत मूवमेंट क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। तब गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब हमें भारत में एक ऐसे मूवमेंट की शुरुआत करनी है जो बड़े लेवल पे सिर्फ किसके खिलाफ हो, अंग्रेजों के खिलाफ हो। इसलिए नागपुर के कांग्रेस सेशन के अंदर, 11 मार्क्स से क्वेश्चन भी बनते हैं, नागपुर के कांग्रेस सेशन के अंदर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन के आइडिया को एडॉप्ट किया। ये 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपका बनेगा। तो ये रीजन है, अभी तक जो मेरा लेक्चर गया, अब तक जो मैंने बताया, जो मैंने बोला, वो सभी रीजंस थे किस चीज के, भारत में शुरू होने वाले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था क्या, जब ध्यान से देखिएगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो था क्या। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड अंडर गांधी जी लीडरशिप इन 1920। गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और आपको मैंने बताया था कि जो इनजस्टिस हुआ है पंजाब के अंदर जलियांवाला बाग में, और जो तुर्की के राजा के खिलाफ जो मुसलमान, क्यों गांधी ने सोचा ये मौका है हिंदुओं और मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने का। सो इस मूवमेंट में क्या था ये डिसाइड किया गया। वैसे गांधी जी को बता दूं, गांधी जी ने 1908 में किताब लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। क्या नाम था उस किताब का, हिंद स्वराज जो था उस किताब का नाम था, मैं लिख देता हूं, याद रहे आपको, हिंद स्वराज। इस किताब में गांधी जी ने कहा था कि अगर भारत के लोग अंग्रेजों का साथ देना बंद कर दे, उनके लिए काम करना बंद कर दे, तो एक साल के अंदर अंदर इन अंग्रेजों का रूल जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक साल के अंदर अंदर इनका रूल जो है क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, पतन हो जाएगा उनका। तो इसी से आइडिया लेते हुए गांधी जी ने शुरुआत की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, कि जो बड़ी बड़ी एजुकेटेड मिडिल क्लास की हैं, टाउन्स और सिटीज की, उन्होंने क्या किया था, इस मूवमेंट को लेड किया था, इसको आगे चलाया था। जो किसान थे उन्होंने गांव के जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। बाबा रामचंद्र इसमें नाम आएगा गांव की जब भी बात आए। ट्राइबल पीपल जो थे उन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू की लीडरशिप के अंदर क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू किया। असम के प्लांटेशन वर्कर जो थे उन्होंने भी क्या कर दी, शुरुआत कर दी, ठीक है। बट हुआ क्या कि चोरी चोरा इंसिडेंट होता है और इस मूवमेंट को बंद करना पड़ जाता है। तो आपको बताऊंगा कि चोरी चोरा इंसिडेंट जो था वो क्या था। सो ये था, अभी
मैंने आपको बताया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, असहयोग आंदोलन क्या था, कि अंग्रेजों को हम लोगों ने किसी भी तरीके से क्या नहीं करना, कॉपरेट नहीं करना है। तो गांधी जी के इस आह्वान पे अलग अलग जगह पे क्या हुआ, इस मूवमेंट की शुरुआत होती है, क्योंकि जो लोग थे उन्होंने गांधी जी के आह्वान पे अंग्रेजों की हेल्प करनी, उनके लिए काम करना, उनका सामान खरीदना बिल्कुल क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो लेकिन धीरे धीरे मूवमेंट जो था वो बंद होना पड़ा। अभी मैंने चोरी चोरा नाम लिया था, मैं आपको बता दूं छोटा सा इंसिडेंट है, 1922 की बात है, 1922 की चोरी चोरा के अंदर जो यूपी में एक जगह है वहां पे क्या हुआ कि एक भीड़ जो थी अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन अंग्रेज जो है वो उनपे क्या चला देते हैं, गोलियां चला देते हैं। गुस्साई भीड़ जो है वो उस पुलिस स्टेशन में, जो पुलिस वाले थे भाग के पुलिस स्टेशन में छिपते हैं, और पूरी भीड़ जो है उस पुलिस स्टेशन को आग लगा देती है, जला के खाक कर देती है। और गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे और इस एक्शन से गांधी जी बड़े दुखी होते हैं, इस मूवमेंट को बंद कर देते हैं। इसके अलावा खादी इतनी महंगी थी कि हम लोगों ने अंग्रेजों का कपड़ा खरीदना एक बार तो बंद कर दिया, लेकिन खादी जो थी वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि खादी जो थी बहुत ज्यादा क्या थी, महंगी थी। तो लोगों ने वापिस से अंग्रेजी कपड़ा खरीदना शुरू कर दिया। भारत के बच्चों ने इंडिया के सॉरी अंग्रेजों के स्कूलों में जाना बंद कर दिया, लेकिन हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, क्योंकि इंडियन स्कूल इंडियन इंस्टीट्यूशन पे नहीं थे कि वहां पे वो जा सके। तो धीरे धीरे फिर से उन्होंने वहां पे वापस जाना शुरू कर दिया, और इस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है। अब मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, बता देता हूं, अगर कंट्री साइड की बात करें गांवों में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे चला, गांवों के जैसे अवध के जो पीसेंट थे बाबा रामचंद्र, मैंने आपको नाम लिया था, उन्होंने लैंडलॉर्ड्स और जो ताल्लुकदार थे इनके खिलाफ क्या उठाई, आवाज उठाई। वो चाहते थे कि रिडक्शन कर दे रेंट जो लेते हैं, टैक्स जो ले रहे हैं, और जो बेगार जो फोर्सफुली लेबर करवाई जाती थी, सिस्टम को बंद कर दे, इसके खिलाफ उनकी क्या थी, आवाज थी। तो एक अवध किसान सभा का जो है वो क्या किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है गांवों के अंदर। और ट्राइबल में बात करें, ये याद रखना, गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, यहाँ के जो ट्राइबल जो थे उन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू जी जो थे उनकी लीडरशिप के अंदर क्या किया था, अंग्रेजों के खिलाफ क्या उठाई थी, आवाज उठाई थी। सो ट्राइबल चाहते थे, क्योंकि फॉरेस्ट जो थी अंग्रेजों ने रिजर्व कर दी थी, और ये जो आदिवासी लोग थे वो अपने राइट्स वापस मांग रहे थे, वो चाह रहे थे कि फिर से उनके राइट उनको मिले और वो लोग क्या कर सके, जिस तरीके से उनकी जिंदगी जंगलों के साथ जुड़ी हुई है, फॉरेस्ट के साथ जुड़ी हुई है, वो वापिस जी सके। सो उन्होंने क्या मेथड फॉलो किए, उन्होंने थोड़े से जो मेथड थे वो नॉन वायलेंट के तरीके के थे। उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, लैंडलॉर्ड्स के घर को जला दिया, गोदाम लूट लिए, और गांधी जी जो थे वो इसे बिल्कुल जी जो है नहीं चाहते थे। हेलो हेलो, ट्राइबल मूवमेंट, और गांधी जी ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। चलिए उसके बाद अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में बता दूं, उसने ट्राइबल पीपल के लिए जो है इस मूवमेंट को क्या किया था, लेड किया था। अल्लूरी सीताराम राजू जो थे उन्होंने इस मूवमेंट को क्या किया था, लेड किया था। गुडेम हिल से थे वो, और लोग जो थे उन्हें भगवान का अवतार, इनक्रेशन अर्थात उन्हें भगवान का अवतार मानते थे, और ये विश्वास था गुडेम हिल के लोगों का कि उसके अंदर स्पेशल पावर है। तो गांधी जी को बड़ा वो क्या करता था, सपोर्ट करता था, लेकिन अंग्रेजों ने विचुअल तरीके से क्या कर दिया था, अल्लूरी सीताराम को जो था मार दिया। चलिए ये थे अल्लूरी सीताराम राजू, दिखने में बिल्कुल साधु हैं, लेकिन जो इनकी छवि थी वो आज भी जो आदिवासी लोग हैं उनके अंदर बनी हुई है। चलिए उसके बाद मूवमेंट इन प्लांटेशन नॉन कोऑपरेशन, ये आपकी हेडिंग से हाउ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन द प्लांटेशन। तो आप क्या करूं, मैं आपको बता दूं कि असम के जो वर्कर्स थे, असम के जो प्लांटेशन में काम करने वाले थे, वो 1859 के एमिग्रेशन एक्ट के थ्रू यहाँ पे क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। 1859 का जो एमिग्रेशन एक्ट था उस एक्ट से ये लोग क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, और इस एक्ट में उनसे एग्रीमेंट लिया गया था कि ये लोग जो है वो प्लांटेशन को छोड़ के नहीं जा सकते विदाउट परमिशन, और परमिशन इनको कभी मिलती नहीं थी। तो जब ये मूवमेंट चला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब उन्होंने इस मूवमेंट के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि अब मौका है, गांधी राज आएगा, उनको गांव में फिर से जमीनें मिलेंगी और वो अपनी जिंदगी को आराम से जी लेंगे, और वो प्लांटेशन को छोड़ के निकल पड़े। पर किस्मत इतनी खराब कि उस दिन रेलवे की भी हड़ताल थी,
तो उन लोगों को बुरी तरीके से जमीन पे रगड़ा गया, पीटा गया और फिर से उनको वापिस उसी आसाम के प्लांटेशन में लाके छोड़ दिया जाता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों विथड्रॉ किया, पहले भी बता चुका हूं, यहां पे आपके लिए लिखा हुआ है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो था विथड्रॉ क्यों कर दिया। मैंने आपको इसमें चोरी चोरा का इंसिडेंट जो है मैंने आपको बता दिया, प्लस में हमारे पास क्या नहीं था, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, किसका, अंग्रेजों के इंस्टीट्यूशंस का, जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो क्या हो जाता है, बिल्कुल डाउन चला जाता है और बिल्कुल बंद करने पे गांधी जी मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो शुरू हुआ उसके कुछ फायदे थे, सिग्निफिकेंस क्या थी, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन का क्या महत्व रहा था, क्योंकि पहली बार भारत के लोग जो थे इतने बड़े लेवल पे कॉमन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने क्या की थी, शुरू की थी। ये किस चीज का पहला फायदा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। और इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन किया, जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को क्या किया गया, एक नया जो है एक सीढ़ी, एक नया आयाम जो था वो मिला था। और इससे पहले पीसडेंट्स और ट्राइबल जो सिर्फ अपना दो वक्त का गुजारा करने की सोचते थे, अब वो भारत को आजाद कराने के लिए क्या हो गए थे, आगे निकल पड़े थे। उसके बाद ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था जिसने गांधी जी के आइडिया, जो सत्याग्रह का आइडिया था, उस आइडिया को पूरे विश्व में क्या कर दिया, पहुंचा दिया। चलिए, उसी बीच भारत में एक साइमन कमीशन आ जाता है। देखो मैं आपके लिए बता रहा हूं नोट के हिसाब से कि व्हाट वाज साइमन कमीशन, जिसे इंडियन स्टैचुरी कमीशन भी कहते हैं। साइमन कमीशन क्या था, ये ब्रिटिश ने सर जॉन साइमन के अंडर में इस कमीशन को जो था क्या किया था, सेटअप किया था। जॉन साइमन जो थे इसके वो हेड थे। और इस कमीशन का मेन काम क्या था कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल, भारत के संवैधानिक ढांचे को फिर से तैयार करना, भारत के संविधान को क्या करना, स्टडी करना इनका एम था, और कुछ चेंजेस जो ये लाना चाहते थे। लेकिन इंडिया ने, भारत के लोगों ने साइमन कमीशन को अपोज किया, पूरे तरीके से अपोज किया। क्यों अपोज किया, क्योंकि साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर थे वो सारे के सारे कौन थे, अंग्रेज थे, इंग्लिशमैन थे। इसलिए साइमन कमीशन का पूरे भारत में क्या किया गया, विरोध किया गया, क्योंकि भारतीयों को स्वराज चाहिए था, खुद का राज चाहिए था, इंडियन का राज चाहिए था, जो साइमन कमीशन के आने के बाद पॉसिबल नहीं था। चलिए, ये छोटा सा लाहौर कांग्रेस ऑफ 1929, सुन लीजिए ध्यान से। ये कांग्रेस का सेशन होता है 1929 में लाहौर के अंदर, 1929 में लाहौर के अंदर जवाहरलाल नेहरू के अंडर में कांग्रेस सेशन होता है। इसमें क्या डिसाइड किया गया, पूर्ण स्वराज। इससे पहले अंग्रेज कह रहे थे कि भारत को डोमिनियन स्टेट बना देंगे हम लोग, लेकिन नहीं, पहली बार। अब ये लाहौर का जो कांग्रेस सेशन था, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि यहां पे पूर्ण स्वराज का जो था प्रस्ताव जो था वो पारित किया गया था। और ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी को भारत में स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं, हमारे भारत का संविधान जो था 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों, ताकि इस डेट को क्या मिले, एक इंपॉर्टेंस मिले, इसलिए। सो भारत में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो थी वो क्या की गई, शुरुआत की गई। चलिए, सो भारत में वो क्या वजह थी जिसकी वजह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा, नॉन कोऑपरेशन के मूवमेंट के बाद जो दूसरा मूवमेंट आता वो आता आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बेटा। तो साइमन कमीशन के खिलाफ भारत के लोग जो थे इस मूवमेंट को शुरू करना चाहते थे, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि लाहौर कॉन्स्टिट्यूएंसी केस, मेरिट कॉन्स्टिट्यूएंसी केस, आपके सिलेबस के नहीं है, ये कुछ केसेस हुए थे जिससे भारत के लोग नाराज थे, ठीक है। तो भारत में 1929 में पूर्ण स्वराज को भी क्या कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था। इसलिए भारत में शुरुआत की गई किसकी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। सोल्ट लॉ जो है मैं आपको आगे बताने वाला हूं, सोल्ट मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज सोल्ट मार्च, गांधी जी ने इसे शुरू क्यों किया, सोल्ट मार्च क्या था और गांधी जी द्वारा सोल्ट मार्च शुरू करने के क्या कारण थे, क्या रीजन थे। गांधी जी ने डिसाइड किया कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन, अर्थात ब्रेक द लॉज, कानून तोड़ो, इस मूवमेंट को क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। और इस मूवमेंट की शुरुआत गांधी जी ने किससे की, सोल्ट लॉ को ब्रेक करके। तो गांधी जी अपने 78 फॉलोवर के साथ साबरमती आश्रम से लेके डांडी गुजरात तक जाते हैं पैदल,
और वहां जाके खुद अपने हाथों से समुन्द्र का पानी उबाल कर उससे बनाते हैं नमक और भारत में शुरुआत करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। अब आप कहोगे कि सर नमक, यस, क्योंकि अंग्रेजों की नमक पे कंप्लीट मोनोपोली थी। भारत के अंदर नमक बनाना बेचना सिर्फ अंग्रेजों के अंडर में था और सभी जानते थे कि जो साल्ट है वो बड़ी बेसिक सी चीज है जो हर किसी के लिए। और गांधी जी को मौका मिला कि अब तक जो मूवमेंट चले ट्रेडर्स अपने लिए लड़ रहे थे, प्लांटेशन वर्कर अपने लिए लड़ रहे थे, लेकिन एक ऐसे मूवमेंट की जरूरत थी जो किस लेवल पे हो, एक वाइड लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो। सो गांधी जी ने थॉट लॉ ब्रेक करके इस मूवमेंट की क्या की, शुरुआत की। ये आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो तैयार हो जाता है। उसके बाद आता है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के मेन फीचर्स क्या थे। यस, जो मैंने आपको बताया, गांधी जी पैदल चले साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक, रस्ते में जहां जहां गए लोगों को स्वराज का मतलब बताते गए, लोगों को आजादी का मतलब बताते गए, और लोगों ने साल्ट लॉ को तोड़ा, ठीक है, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया, शराब की दुकानों को बंद कर दिया, पिकेट, पिकेट मतलब होता है एंट्री को ब्लॉक करना, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, फॉरेस्ट लॉज को तोड़ा गया। हर तरीके से इस मूवमेंट का मेन एम था कि जितने भी कानून है वो कानून क्या किया जाए, तोड़े जाए। और गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को, जी हाँ 5 मार्च 1931 को इस मूवमेंट को जो था क्या कर दिया था, गांधी जी इरविन पैक्ट जो था हुआ था, एक समझौता हुआ था, सिलेबस में नहीं है, उसके थ्रू इस मूवमेंट को बंद कर दिया था। और बाद में गांधी जी ने 1934 में इस मूवमेंट को फिर से क्या किया था, शुरू किया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब गांधी जी ने इसको शुरू किया तो लोगों ने ज्यादा इसके अंदर जोश नहीं दिखाया। अब डिफरेंस अगर बात करें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बीच में डिफरेंस की बात करें तो क्या जो है वो डिफरेंस रहे थे, आप सिंपली बता सकते हो जी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का तो मतलब था कि बस अंग्रेजों को कॉपरेट ना करना, और जबकि सिविल डिसओबीडियंस का मतलब था कि बस लॉज को, जितने भी लॉ हैं उन लॉज को क्या करना है, डिसओबे करना है, ठीक है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मुसलमानों ने बड़ा ज्यादा पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट भी जो था वो क्या हो रहा था उस वक्त चल रहा था, लेकिन इस टाइम मुस्लिम पार्टिसिपेशन क्या था, बहुत ज्यादा कम था। इस बार नो टैक्स कैंपेन वाज नॉट देयर इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कोई भी टैक्स के खिलाफ कैंपेन नहीं था, लेकिन यहां पे जो था लोगों ने टैक्स देना साफ साफ क्या कर दिया, मना कर दिया। तो जी ये आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। मैं इसे मिटा नहीं रहा, मैं इसे आप लोगों के लिए हाईलाइट कर रहा हूं। तो ये जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो क्या है, दोनों में डिफरेंस है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर। सुंदर नहीं लग रहा तो बता देना बेटा। चलिए उसके बाद बात करते हैं वो कौन कौन से सोशल ग्रुप थे जिन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो था वो पार्टिसिपेशन किया था और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो सिविल डिसओबीडियंस की बात करें तो रिच पीजेंट, पुअर पीजेंट्स, बिजनेस क्लास और इंडस्ट्रियल वर्कर। अब 1, 2, 3, 4 जो मैंने लिखे हैं, अब आपको ऑब्वियसली पता है कि कॉमन सेंस की बात है, रिच पीजेंट्स जो है वो किस लिए, जो डिप्रेशन और जब महंगाई चली थी, प्राइस ने क्या किया, उनको अफेक्टेड किया, वो लैंड रिवेन्यू को दोबारा से चेंज करने की जो डिमांड कर रहे थे। पुअर पीजेंट जो थे वो बहुत बैडली क्या हो चुके थे, अफेक्ट हो चुके थे। बिजनेस क्लासेस जो थी वो चाहती थी जो फॉरेन गुड का जो इंपोर्ट है वो सही तरीके से हो जाए, तो इन्हीं चीजों को लेते हुए जो बिजनेस क्लासेस जो थी, उसके बाद इंडस्ट्रियल वर्कर जो थे, इन्होंने भारत में क्या किया है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, सॉरी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। आपको पता है रिच पीजेंट क्या चाहते हैं, पुअर क्या चाहते हैं, बिजनेस क्लासेस क्या चाहती हैं, तो ये सोशल ग्रुप थे जिन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर। तो वे जो नॉन कॉपरेशन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था आपका, इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के क्या क्या मेन कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था इस मूवमेंट को, वेरी गुड, पूर्ण स्वराज के लिए पहली बार लड़ी गई लड़ाई थी, ठीक है। उसके बाद ये नॉन वायलेंट सत्याग्रह था, गांधीयन आइडिया को जो था वो आगे लेके जा रहे थे। वीमेन ने भी बड़े लेवल पे इसमें पार्टिसिपेट किया और सच में बड़े लेवल पे एक मास मूवमेंट था, जनता को इकट्ठा करके किया गया आंदोलन था बेटा ये, और एक ओपन चैलेंज था अंग्रेजों के खिलाफ कि अब जो भारत के लोग हैं वो रुकने वाले नहीं है। चलिए उसके बाद लिमिटेशन, ये बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है, मैंने 3 बोर्ड के एग्जाम में देखा है, आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाट वर द मेन लिमिटेशंस ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की लिमिटेशन क्या रही थी। नंबर 1, दलित लोगों ने
इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस जो थी, जो हाई क्लास लोगों की थी, उन्होंने कभी भी उनकी डिमांड को जो थी इंपोर्टेंस नहीं दी थी। मुस्लिम ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि वो समझ गए थे कि कांग्रेस जो है वो एक हिंदू महासभा के क्लोज होती जा रही है, और जो धार्मिक धर्म के नाम पे दंगे जो थे हिंदू मुस्लिम में शुरू हो चुके थे, इंडियन जो इंडस्ट्रियल थे उनका भी पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज्यादा गया था, लो था। ये सब रीजंस थे किस चीज के, सिविल डिसओबीडियंस के लिमिटेशन के कह सकते हो आप लोग। चलिए उसके बाद गांधी जी ने दलित लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या, ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय या व्हाट एफर्ट्स वर मेड बाय गांधी जी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित। तो गांधी जी अनटचेबिलिटी, छुआछूत के बिल्कुल क्या थे, खिलाफ थे। वो कहते थे कि 100 साल भी स्वराज नहीं आएगा अगर अनटचेबिलिटी को क्या नहीं किया गया, अबॉलिश नहीं किया गया। उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन शब्द कहा, हरिजन अर्थात भगवान के बच्चे, सत्याग्रह किए। उन्होंने विमेन्स की, दलित क्लास की, जहां कुओं के पास मंदिरों में इनकी एंट्री नहीं होती थी, वहां इनकी एंट्री को उन्होंने क्या किया, इंश्योर किया। और उन्होंने खुद हरिजन की कॉलोनीज को साफ किया, ये शो करने के लिए कि अपर कास्ट के जो हिंदू हैं उनकी जो मानसिकता है वो मानसिकता अब क्या हो जानी चाहिए, सुधर जानी चाहिए। अब गांधी जी वर्सेस अंबेडकर, ये एक पूना पैक्ट जो मैं आपको बता दूं, बड़ा मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए, पूना पैक्ट। डॉक्टर अंबेडकर डिमांड कर रहे थे कि सेपरेट इलेक्ट्रोड की, जो दलित लोग हैं उनको इतना अनदेखा किया जा रहा है, तो इनके लिए अलग से इलेक्शन की जो है क्या की जाए, व्यवस्था की जाए। वो सोचते थे कि उनको पॉलिटिकल पावर में शेयर मिलेगा तभी ये लोग आगे बढ़ पाएंगे, और वो एक उनके लिए अलग इलेक्शन की डिमांड कर रहे थे, सेपरेट इलेक्ट्रोड की जो थी वो डिमांड कर रहे थे। लेकिन गांधी जी कह रहे थे कि ये जो सेपरेट इलेक्ट्रोड है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, मैं जहां भारत में लोगों को यूनाइट करने की कोशिश कर रहा हूं और वहां ये डिस यूनिटी को, ये भारत की एकता को क्या कर देगा, कमजोर कर देगा। उसी बीच पूना पैक्ट जो गांधी जी और अंबेडकर के बीच साइन होता है, गांधी जी भूख हड़ताल पे चले जाते हैं और लास्ट में अंबेडकर जी को मना लेते हैं कि भारत के अंदर जो लेजिस्लेचर है, हमारी विधायिका है, उसमें दलित लोगों के लिए स्पेशल रिजर्वेशन की जो है वो क्या की जाएगी, व्यवस्था की जाएगी। ये था गांधी जी वर्सेस अंबेडकर और पूना पैक्ट आपका। चलिए उसके बाद ये बड़ा मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि भारत के लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, एकता की भावना जगाने के लिए हमारा जो कल्चर था, हमारा जो साहित्य था, उसका क्या योगदान रहा था, भारत माता की इमेज। यस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने पहली भारत माता की इमेज बनाई थी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने उस इमेज को पेंट किया था, और भारत माता की जो पहली इमेज थी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, जिसमें उनको सन्यासिनी दिखाया गया था, जिन्हें एक दैवीय रूप में क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। ये थी हमारी भारत माता की जो पहली इमेज जो बनाई गई थी। उसके बाद वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत लिखा, और ये भारत के लोगों के लिए युद्ध के लिए एक कॉल जो थी वो मानी गई कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। इस गीत ने भी भारतीय के लोगों में जो देशभक्ति की भावना था उसको बहुत ज्यादा क्या किया, मजबूत किया, और इसे बाद में आनंद मठ जो उनका नॉवल था उसमें इंक्लूड कर दिया गया था। उसके बाद ये वंदे मातरम और ये गांधी जो हमारी फोटो है, इसके बाद नेशनल फ्लैग, भारत का जो राष्ट्रीय झंडा जो था तैयार किया गया, बड़ा मोस्ट आपके लिए। स्वदेशी मूवमेंट जब शुरू हुआ तो ट्राइकलर फ्लैग का यूज किया गया, जिसमें लाल हरा और पीला रंग था, और इसके अंदर 8 लोटस थे जो भारत के 8 ब्रिटिश इंडिया के जो 8 स्टेट्स को जो ब्रिटिश इंडिया में अंडर में आते थे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके अंदर एक मून भी था, और क्रिसेंट मून जो आप पाकिस्तान के झंडे पे देख सकते हो, जो ये शो करता है कि हिंदू और मुसलमानों की क्या थी, एकता थी। तो गांधी जी ने 1921 में स्वराज फ्लैग को डिजाइन किया, ये भी ट्राइकलर का था, रेड ग्रीन और व्हाइट, इसमें स्पाइनिंग व्हील चरखा जो था गांधी जी ने क्या कर रखा था, लगा रहा था, और ये जो फ्लैग था ये सिंबल बन गया किस चीज का, नेशन का। और जब जब इसकी कॉल आती, मीन्स जब जब लोग भारतीय झंडे को देखते, तब तब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की जो उनकी भावनाएं थी वो और ज्यादा क्या हो जाती, मजबूत हो जाती। ये था स्वदेशी फ्लैग और ये था हमारा स्वराज फ्लैग, आप लोग देख सकते हैं 8 लोटस हैं इसके अंदर, क्रिसेंट मून है इसके अंदर। उसके बाद इंडिया का पास्ट, लोगों ने बताया, हमारे जो साहित्यकार लेखकों ने बताया कि भारत जो है इसका इतिहास इतना शानदार है, कि भारत का इतिहास इतना शानदार है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, और ब्रिटिश लोग जो है भारत के लोगों को बैकवर्ड कह रहे हैं, पिछड़ा हुआ कह रहे हैं, प्रिमिटिव कह रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो हमारे जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने हमारे पुरानी अचीवमेंट्स को लोगों को बताना शुरू किया,
सबको बताना शुरू किया कि भारत जो है यहां से शुरुआत हुई थी किसकी, सभ्यता की। और इन चीजों ने भारत के लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस और देशभक्ति पैट्रियटिज्म को क्या किया, मजबूत किया। उसके बाद रिवाइवल ऑफ फोकलोर, छोटे छोटे लोकगीत लिखे गए, उन लोकगीतों के अंदर भारत के जो छोटे छोटे भारत के जो अलग अलग इलाकों से वीर थे उन वीरों की कहानियों को बताया गया, लोगों को शो किया गया कि देखो ये है हमारा भारत, जिसने भारत के लोगों में क्या जलाई, देशभक्ति की भावना जगाई। उसके बाद ये साउथ इंडिया के कुछ फोकलोर्स हैं। और तो कुछ लास्ट बात करें कंक्लूजन की इस चैप्टर की, तो गांधी जी ने क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा पैदा करने के लिए भारतीयों को एक मंच पर लाकर क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। सो ज्यादा कुछ नहीं, बस ये जो चैप्टर था इसके कंप्लीट क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपकी एनसीईआरटी आपकी बुक के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है। इस लेक्चर में इस स्लाइड पे जो जो लिखा था वही अगर आप सेम क्वेश्चन पेपर में लिखते हैं तो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट है। तो बस इस तरीके से एग्जाम हट के साथ जुड़े रहिएगा, आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो करवाया जाएगा और हर एक क्वेश्चन का डाउट जो है वो आपका क्लियर किया जाएगा। बस इस एग्जाम हट चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि एग्जाम हट आपके लिए है, आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।